तो गाइस अभी तो चल रहे हैं भाई अपनी अपाचे की सर्विस करवाने। तो थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एक्चुअली हमें किधर जा रहे हैं सर्विस करवाने, जहां हमेशा से करवाते आ रहे हैं भाई अपनी गाड़ी की सर्विस। काफ़ी टाइम हो गया, सर्विस भी डी हो रखी थी और लास्ट टाइम एक्सीडेंट भी हो गया था छोटा सा, फॉर्चुनर वाला जब वीडियो शूट करने गए थे रिटर्न टाइम पे डॉग वाले सीन में, तो गाड़ी में कुछ पार्ट्स भी डैमेज हुए थे एक साइड से इधर साइड से। तो कुछ तो मैंने ऑलरेडी जो है उसको शॉर्ट आउट कर लिया है, क्योंकि भाई पार्ट ऑर्डर किया हुआ था मैं, काफ़ी टाइम लगा दिए थे इंपीरियल वाले, तो मैंने जुगाड़ पानी करके उसको भी शॉर्ट करा लिया था कुछ पार्ट। और भाई ऑर्डर किया था, पेमेंट दिया था, तो कुछ सीन बनता है भाई फिर डायरेक्टली फिर एकदम ही से ना बोल दूंगा तो भाई वो भी ठीक नहीं है। तो कुछ पार्ट्स मेरे को मेजरली नहीं मिल रहे थे, तो उसको मैंने उन्हीं के साथ में कंटिन्यू रखा कि उन्हीं से ले लूँगा भाई, क्योंकि फिर उनका कॉल भी आ गया था उस टाइम, लॉकडाउन वगैरह भी चल रहा था, तो उन्होंने बोला आ गया है तो भाई आज जाना कल जाना कल जाना आज जाना, तो सब जो है उसी में वो सिस्टम हो जा रहा था कि टाइम वाला सबसे बड़ा इशू हो जा रहा था कि भाई कल बनवा लेंगे आज करवा लेंगे कल रिपेयर करा लेंगे चेंज करा लेंगे सर्विस करा लेंगे, सब ऐसा ही सीन चल रहा था। तो फाइनली है आज संडे भाई, टाइम का तो अपना कोई वो रहता नहीं है कि भाई आज संडे है तो भाई सब क्लोज है, भाई अपने लिए 24x7 सारे वर्किंग है, तो टाइम निकालना पड़ेगा भाई, टाइम निकलेगा है नहीं कोई भी काम के लिए, तो भाई सर्विस भी कराना ज़रूरी है। आज का एजेंडा सिर्फ है यही अपना सर्विस, और फिर मिलते हैं आगे आप लोगों को सीधा शोरूम के अंदर में, ब्लॉग वाला देखते हैं क्या सीन होता है भाई, इंपीरियल भी अपना मामला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो चलते हैं। सो सीधा इस ब्लॉग को मैं यहीं पे स्टार्ट कर देता हूँ। सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड द वेलकम टू द ब्लॉग। ओए रुक जा, इतनी जल्दी है कि कोई ने जाने नहीं देना भाई, 2 मिनट रुक जाओ तो शायद वो बच जाए, सामने वाला बच जाए, ये सेल्टो। सो गाइस, इस वाले ब्लॉग में आप लोगों को पूरा गाड़ी का खर्चा बताऊंगा मैं कि कितना खर्चा आया सर्विस में, क्या पार्ट चेंज कराया, क्या पार्ट में कितना खर्चा आया, क्या लेबर आई, वो सब मैं आप लोगों को इस वाले ब्लॉग में कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो पूरा इस ब्लॉग में बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। ओके भाई साहब, गर्दा बहुत तगड़ा उठा रखा है, गर्मी भी बहुत तगड़ी हो रखी है भाई, गाड़ी का भी ध्यान वान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं काफ़ी दिन से नहीं दे पा रहा था, आजकल के चक्कर में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं पार्ट चेंज करवाने को, और सर्विस को ऑलमोस्ट हो रहे हैं 15-20 दिन सिर्फ आजकल के सीन में। अभी लगाता हूँ साइड में गाड़ी, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या इसमें डैमेज हुआ था जो मुझे चेंज करवाना है अभी, तो वो सारी चीज़ भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, और फिर फाइनल में आपको वीडियो में लास्ट में आपको बता दूंगा क्या पार्ट क्या कॉस्ट आया है, सर्विस का क्या कॉस्ट आया है, कंप्लीट डिटेल रहेगी। और भाई यार, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो, आपका भाई है भाई अपने प्रयागराज से, मारो चैनल को सब्सक्राइब और करो एक प्यारा सा कमेंट, और वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक, अन्यथा ना पसंद तो डिसलाइक, लेकिन कोशिश करो उस केस में भी लाइक कर दो, बट हाँ सजेशन जरूर दे देना भाई, चाहे कॉमेंट में चाहे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। तो मिलते हैं सीधा आगे। तो गाइस, आप लोगों को दिखा देते हैं भाई गाड़ी में क्या क्या जो है डैमेज हुआ था जब लास्ट मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक छोटा सा ये साइड मिरर डैमेज हुआ था, ये देख लो थोड़ा सा लूज है ये यहाँ से, लेकिन ये डैमेज हुआ था, ये देख लो ये भी डैमेज है यहाँ से पूरा, ये सब हो गया था, और ये पूरा ये ग्रिप के साथ में ये पूरा चेंज होगा, ये क्लच लीवर होगा चेंज, और ये मेरा लेग गार्ड चेंज होना है, साइड स्टैंड चेंज होना है, साइड इंडिकेटर ये यहाँ से स्क्रैच इसमें छोटा सा लगा ये चेंज होना है, ये वाला चेंज होना है, और ये दोनों पार्ट को तो मैंने करवा ही लिया ठीक है, और ये चेंज होना है, ये देखो यहाँ एक माइनर सा क्रैक है, ये पूरा चेंज होना है, नंबर प्लेट टूटी थी इसको मैंने चेंज करवा लिया, इसका भी काम हो गया, और बाकी सब ओके है रिपोर्ट, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी करवानी है सर्विस। और इस ब्रेक में प्रॉब्लम आ रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, शायद ये मास्टर सिलेंडर का प्रॉब्लम है या फिर हाइड्रोलिक का या फिर ऑयल का, ये मैं नहीं जानता। तो अब चल रहे हैं सीधा,
ये सारे काम कराते हैं। ब्रेक वाला भी सीन चेक कराना है क्योंकि राइड वाइड में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बाकी सर्विस भी करानी है, सर्विस का सबसे पहला काम सारे पार्ट्स को करवाना है चेंज, फिर उसके बाद होनी है एकदम प्रॉपर वाली फुल सर्विस। ब्रेक वाला काम वॉशिंग एकदम करके अपाचे 200 एकदम न्यू ब्रांड न्यू, ये आ गया इंपीरियल टीवीएस। चलो भीड़ तो नहीं है, आई थिंक पार्ट चेंज होना था, ऑर्डर पे था और सर्विस थी। हाँ फोन आया था, हाँ अपाचे 200। अरे उस दिन आया था, फिर आप जो है बोले जो है, चलिए कोई बात नहीं करवा दीजिए। मैं कहा जो जो पार्ट मैं इसमें ऑर्डर किया था उसमें से कुछ पार्ट मैंने लगवा लिया है, तो मुझे अभी कुछ ही पार्ट जो चेंज कराना है वही कराइएगा। सर्विस भी है और आपका जो पार्ट चेंज का है वो भी है, और इसमें एक ब्रेक का भी प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी फ्रंट वाले में, और मेरे पास AMC कार्ड है आपके यहाँ का, ठीक है दे दें। गाड़ी की वॉशिंग, और भाई वॉशिंग हो रही है उधर ही, और अभी सर्विस होना है, पार्ट जो चेंज होना है सारी चीज़ें मैंने नोट करा दी है अंदर, और COVID-19 के भी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं ठीक ठाक। हाँ ठीक है भाई, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लिए जा रहे हैं थोड़े बहुत ही, और बाकी काम वाम तो एकदम अच्छा हो रहा है, अच्छा होना चाहिए भाई, एकदम क्वालिटी वर्क होना चाहिए परफेक्शन के साथ में, जो कि मैं खुद खड़ा होकर अपनी गाड़ी में अपना सारा काम करवाऊँगा। ओके जगह जगह का किस्सा, गाड़ी एकदम परफेक्ट वॉश हुई है भाई साहब, एकदम चमक हो गया। ये मीटर भाई जो कि 110 120 130 140 की रफ्तार से भागता है भाई साहब। तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी गई चमक। ओके भाई भाई इतना सर्विस किया था, काफ़ी बढ़िया सर्विस किया है भाई ने, और काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है, मनपसंद एकदम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ इंपीरियल टीवीएस के अंदर में, काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी परफेक्शन के साथ में कर रहा था, जो कि मैं सोच के आया था भाई। देखो एक सीन हुआ अभी इंपीरियल टीवीएस में, एक्चुअली में था क्या कि मैंने ये इसको क्या बोलते हैं सॉरी लेफ्ट टैंक काउल करके कुछ बोलते हैं इसको, मैं ऑर्डर किया था और पीछे एक पार्ट था उसको ऑर्डर किया था, और
काफ़ी, मतलब इन्होंने भी 1.5-2 महीने लगा दिया पार्ट को अवेलेबल कराने, मैंने पेमेंट वेमेंट सब कर दिया था, ये वो सारा सिस्टम ओके था, पर बंदे ने बोल रहा कि नहीं अब आपने ऑर्डर किया था तो आपको लगवाना पड़ेगा, या फिर जो आपने एडवांस किया था वो जमा रहने दीजिए, जब ज़रूरत होगी तब लगवाइए, कंपनी का पैसा फंस गया, ये फंस गया, वो फंस। चलिए फिलहाल के लिए आगे बात करते हैं, इस विषय में थोड़ा एक काम है यहाँ पे निपटा लेते हैं। ओके तो भाई बात यहाँ फंस गई थी, इम्पीरियल वाले बोले नहीं भाई अब आपको पार्ट लो या मनी डिपॉजिटेड रहने दो, हम लोग माल मंगवाते हैं ओनर का पैसा फंस जाता है, ये वो है दुनिया भर का। भाई हम भी अपना छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, कस्टमर बोलता है भाई हमारे लिए ये मंगवाओ, हम उनके लिए मंगवाते हैं, इनकेस अगर वो बाय नहीं कर रहा है तो भाई हम उनको प्रेशर थोड़ी करेंगे, नहीं भाई आप लोग तो, मतलब समझ रहे हो आप, मैं बोल नहीं सकता कस्टमर से, इसलिए क्योंकि भाई उनको मैं प्रेशर नहीं कर सकता, और एक सेल्फ रेपुटेशन भी होती है। बट ये इम्पीरियल के कुछ स्टाफ वाले नहीं समझते हैं, तो भाई मैं उनको अच्छे तरीके से समझा दिया था अभी क्या सिस्टम है क्या नहीं, मैं कहा भाई देखो अभी मजबूर मत करो, खाम खा तुम्हारा घाटा हो जाएगा पूरे शोरूम का। फिर बंदा समझ गया, क्या समझा क्या नहीं समझा वो मैं नहीं जानता, बट हाँ उसने फिर कहा चलिए कोई बात नहीं, मैनेजर वैनेजर आए, सारी बात बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन भाई गलत उस जगह पे वो तो भाई सपोज दैट, अगर मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी तक किसी को प्रमोट नहीं किया, आज से करीब 3 साल पहले तब मैंने हिमालयन बुक करवाई हुई थी, तो 3 महीने वेटिंग टाइम था, उस टाइम नई नई आई थी गाड़ी, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रेज था हिमालयन करके, तो गाड़ी में यार काफ़ी सारी कंप्लेंट सुनने को आ रही थी, अल्टरनेटर वगैरह मेजर फॉल्ट वॉल्ट लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत आ रही थी गाड़ी में, तो इसलिए जो है मैंने ये डिसाइड किया कि अभी हिमालयन को करते हैं कैंसिल। क्या मतलब भाई, ऐसी गाड़ी कौन सी जो लेने के बाद आपको चैन से घुमा ना सके, आप उसे राइड वाइड ना कर पाओ, तो यार मतलब मैं क्या कैंसिल अगर कर दिया और उनके स्टॉकयार्ड में हिमालयन मेरी बुकिंग वाली आ गई, क्या ये वो मुझे बोलेंगे क्या नहीं अब आपको लेनी पड़ेगी हिमालयन, या बिना लिए आपको हम अमाउंट रिफंड नहीं करेंगे 5000 जो भी बुकिंग अमाउंट, ऐसा थोड़ी है भाई, वो हमारे ऊपर है ना कि हम लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, तो चलो कोई नहीं। हालांकि ये चीज़ अगर भाई इम्पीरियल वालों देख रहे हो तो भाई सुधर जाओ, नहीं किसी दिन बड़े लंबे चपेट में फंस जाओगे, मेरी वजह से नहीं किसी और की भी वजह से। कल के लिए बात को ख़त्म करते हैं, जो जो चेंज करवाना था वो मुझे चेंज हो गया, क्लच लीवर नहीं चेंज हो पाया, उनके पास स्टॉक में नहीं था, साइड स्टैंड नहीं चेंज हो पाया, और पीछे के नंबर प्लेट के ऊपर वाला जो बल्ब होता है जो रात में जलता है वो नहीं था उनके पास, वो नहीं चेंज हो पाया, और ये ग्रिप नहीं चेंज हो पाई जो कि कट गई थी, ग्रिप नहीं थी इनके पास स्टॉक में, तो जो है ग्रिप नहीं चेंज हो पाई, इसी तरीके से 2-4 आइटम्स जो है चेंज नहीं हो पाए। चलो हालांकि लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो मैं आगे पीछे अपना कहीं भी सिविल लाइसेंस जाऊंगा तो वहां से ये सारी जो जो पेंडिंग है वो चेंज करवा लूंगा विदाउट डी एनी टाइप ऑफ इश्यू। सो मैं अभी घर चलता हूँ, घर से चलता हूँ ऑफिस, ऑफिस में बता देता हूँ आप लोगों को सारे क्या क्या कितने एक्सपेंसेस आए, बिल बिल दिखा देता हूँ कितना खर्चा आया गाड़ी के ऊपर में, ताकि आप लोग भी अगर अपाचे ओनर हो या अपाचे ओन करने का प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को एक आइडिया भी लग जाए क्या मेंटेनेंस है, क्या इसके कॉस्टिंग आती है, पार्ट वार्ट के सर्विस वगैरह के क्या खर्चे आते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को इस वाले ब्लॉग में क्लियर हो जाएगी। तो अब चलते हैं भाई, ज़्यादा बात करते हुए ना भूख लगी हुई है, तो चलते हैं। जैसे कि उनके पास कुछ पार्ट स्टॉक में नहीं थे, जैसे कि पीछे साइड का लेफ्ट साइड का साइड इंडिकेटर और साइड स्टैंड और लेफ्ट साइड की ग्रिप, ये 3 आइटम उनके पास अवेलेबल नहीं था, बाकी सब कुछ चेंज हो गया है, बाकी हम देख लेंगे उसको, जहाँ से जब हमको अवेलेबल होगा वो हम चेंज करा लेंगे, आज या अब आज तो नहीं कल ही चेंज कराएंगे, और गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट भी लगवाना है साइड मिरर्स में, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आप लोगों से मैंने कमेंट किया था ब्लॉग के स्टार्टिंग में, तो अब बात कर लेते हैं टोटल सर्विस एक्सपेंस का, सर्विस में कितना खर्चा आया और पार्ट्स में कितना खर्चा आया चेंजिंग में, जिससे आप लोगों को भी आइडिया लग सके RTR 200 की मेंटेनेंस वगैरह। तो अभी हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले भाई मेनली और मेजरली जो होती है वो होती है सर्विस, जो हर एक बंदा करवाता है, तो मैं यहाँ पर बिल भी ले रखा हूँ, और मैं बता दूं साथ ही में मतलब मैंने AMC कार्ड एजेंसी से ले रखा था, तो उसमें मुझे जो है पार्ट्स पे 5% ऑफ मिलता है, लेबर पे 10% शायद, ये होता है AMC कार्ड इसका। आपकी इसमें टोटल 3 सर्विस जो है ना वो फ्री होती है, ठीक है, आपकी जैसे कि जब आप गाड़ी नहीं लेते हो तो पेड सर्विस उसमें होती है, फ्री सर्विस होती है, फ्री सर्विस के आपकी मैनुअल के साथ में कूपन मिलता है, तो कूपन को जब आप रिडीम कर लेते हो उसके बाद में आप एजेंसी को वो अपना ऑफर स्कीम होती है
तो वो अपने स्कीम के तहत आपको AFC कार्ड इशू करते हैं, तो 1000-2000 rupees ये डिपॉजिट करा लेते हैं। इसमें आपको 3 सर्विस फ्री मिल जाती है, जो कि पर सर्विस की लेबर कॉस्ट को टोटल वेव ऑफ कर देता है, और जो कि लेबर कॉस्ट आती है ऑलमोस्ट 550 rupees, तो 3 सर्विस के 1600-1650 ये सेव हो गए। 4 या 5 आपको गाड़ी की फ्री वॉश मिल जाती है, और हर पार्ट्स पे आपको 5% ऑफ मिल जाता है, लेबर पे 10% मिल जाता है। तो इस तरह से कई तरीके के फायदे आप लोगों को मिलते हैं इस AMC कार्ड से। अब बात कर लेते हैं हम टोटल आप लोगों का सर्विस कॉस्ट। भाई देखो, इंजन ऑयल अगर आपके पास AMC कार्ड नहीं है, मैं उसी केस में बात करूँगा, बाकी जब आपको AMC कार्ड आप लेते हो कोई भी एजेंसी से, तो वो अपनी स्कीम बताएं, क्योंकि जो नहीं जो स्कीम इसमें वो आपको भी मिले। तो मैं नॉर्मल विदाउट AMC विदाउट एनी ऑफर पेड सर्विस बताता हूँ, जो नॉर्मली फ्री सर्विस के बाद में होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन ऑयल। इंजन ऑयल की कीमत आपको 685 रुपये पड़ेगी, और एयर फिल्टर आपको पड़ेगा 217 रुपये, और ऑयल फिल्टर आपको पड़ेगा 42 रुपये का, जो कि इस सर्विस के दौरान इतनी कॉस्ट मेरे को विदाउट एनी स्कीम वगैरह मिलता। अगर मेरे पास कोई कार्ड वार्ड ना होता तब का मैं रेट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वैसे बताऊँगा डिस्काउंट डिस्काउंट करके तो कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा, ठीक है। तो मैं नॉर्मल रेट बताया जो हर इंसान के लिए होता है। मेनली सर्विस में इंजन ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर चेंज होता है, और बाकी क्लीनिंग, ल्यूब्रिकेंट्स, अलाइनमेंट, चेन टाइट वाइट, ये सारी ब्रेक्स के क्लीनिंग वगैरह ये सारी की जाती है, वो आपकी सर्विस में आती है, ठीक है। जो चेंज होता है, रिप्लेसमेंट होता है जो सर्विस के दौरान, वो इतना ही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। और जो मैंने अपने डैमेज में चेंज करवाया हुआ था वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हेडलैम्प की हाउसिंग मैंने चेंज करवाई थी जो सेंटर में होती है, उसकी कीमत मुझे पड़ी थी 444 रुपये, और डैम्पर असेंबली हैंडल का जो होता है ना, जो गोल गोल होता है इधर क्लच साइड वाला, सॉरी लेफ्ट साइड वाला, मैंने इसको चेंज करवाया, तो वो मुझे पड़ा 235 रुपये का, ठीक है। और टर्न इंडिकेटर मैंने फ्रंट साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का चेंज कराया, वो मुझे पड़ा 210 रुपये का। आपका ये पड़ा मुझे 571 रुपये का, जो मतलब इसमें एक्चुअली में हेडलैम्प की हाउसिंग जो है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एक सेंटर, एक लेफ्ट और एक राइट। तो अच्छा भी है, बुरा भी है। बुरा इसलिए कि भाई पड़ा उसमें चेंज करने के लिए पूरा ओपन करना पड़ता है। अच्छा ये कि एक साइड का अगर डैमेज होता है तो आप लेफ्ट या राइट करके आप माइनर खर्चे में चेंज करा सकते हो, नहीं तो वही एक ही पार्ट हुआ तो 1500-1600 रुपये का आपको गिरेगा वो। तो ये अच्छा ही है वैसे, जहाँ तक पॉजिटिव ही है अगर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है तो, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने चेंज करवाया है, लेग गार्ड चेंज करवाया है 435 रुपये का। ये टोटल जितने मैंने पार्ट्स चेंज कराए हैं ना, इसके ऊपर में मुझसे लेबर कोई भी चार्ज नहीं किया गया है, तो टोटल मुझे बिल गिरा हुआ है 3056 रुपये का, जिसमें 110 रुपये का डिस्काउंट करके 2947 रुपये का टोटल बिल बना हुआ था, जिसमें सर्विस और कुछ पार्ट चेंज हुए, कुछ नहीं रहे, जो ऑलमोस्ट 1000 रुपये के और खर्चे हैं, बाकी गाड़ी अपनी है रेडी ऑलमोस्ट राइड के लिए। तो भाई होप करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि गाड़ी के अंदर में क्या एक्सपेंस लग जाता है अपाचे RTR 200 के अंदर में। अगर आप गाड़ी ओन करने जा रहे हो या फिर ओन करने का प्लान कर रहे हो, तो आप लोगों को एकदम क्लियर जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया हूँ। सो होप करता हूँ गाइस आप लोग को ये वाला भी ब्लॉग ज़रूर से पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसको ग्रे कर दीजिएगा, और कोई भी कीमती फीडबैक और सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिस पर गौर किया जाएगा। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यही पेंट करता हूँ, राइट राइट नाउ साइनिंग ऑफ निखिल वर्मा, बाय।